फ्रेंड्स, दिस इज स्वाति एंड वेलकम टू माय चैनल अ गर्ल फ्रॉम एमपी। सो मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं कोई कॉन्टिनेंटल डिश बनाना सिखाऊं, तो इस बार मैं बनाना सिखा रही हूँ बच्चों का मोस्ट फेवरेट पास्ता। तो मैं आपको एक ही वीडियो में बनाना सिखाऊंगी थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पास्ता, दैट इज रेड पास्ता, वाइट पास्ता एंड माई फेवरेट वर्जन ऑफ पिंक पास्ता। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं प्रोसीजर के साथ। तो चलिए सबसे पहले जो पास्ता है हम उसको बॉईल करने के लिए रखते हैं। तो ऑलरेडी मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और ये एक बड़ा बाउल पास्ता लिया है, ये सफिशिएंट है 3 से 4 लोगों के लिए। जब भी आप पास्ता बॉईल करें तो एक चीज बहुत ध्यान रखें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप पास्ता बॉईल करते टाइम इसमें नमक जरूर डालिए। बिकॉज अगर आपने पास्ता में बॉईल करते टाइम नमक नहीं डाला तो जो पास्ता होता है उसमें बहुत ही फीका लगेगा, उसमें कुछ टेस्ट नहीं आएगा। तो आप इसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। तो अब ये पास्ता को हम पीछे बॉईल होने देते हैं और हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं सॉस की। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं व्हाइट सॉस। तो व्हाइट सॉस बनाने के लिए आपको चाहिए मिल्क 1 कप, मिल्क में हम डाल लेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच मैदा, 1 चम्मच, इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब इसको हम बॉईल होने देंगे जब तक इसमें थोड़ा गाढ़ापन नहीं आ जाता। जैसे कि हमने मैदा डाला हुआ है, कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है, तो ये थोड़ा 5 मिनट में थिक होना शुरू हो जाएगी। तो जब ये थिक हो जाएगी तब हमारी सॉस बनके रेडी हो जाएगी। अब इसको भी हम साइड में रख देते हैं। बॉईल होने देते हैं और दूसरी साइड हम बनाएंगे रेड सॉस। तो ये जो टमाटो प्यूरी है ये मैंने बना के रखा है। टमाटो प्यूरी बनाने के लिए आप 3 से 4 टमाटर ले लीजिए मीडियम साइज और उसको पानी में अच्छी तरीके से बॉईल कर लीजिए, उसको पील ऑफ कर लीजिए और ग्राइंड कर लीजिए। तो ऐसे आपकी टमाटो प्यूरी बन जाएगी। तो अब ये जो टमाटो प्यूरी है इसमें हम डालेंगे सेम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच मैदा, 1 चम्मच ऑरिगैनो और ये जो टमाटो प्यूरी है हम इसमें नमक भी डालेंगे, थोड़ा 1/2 चम्मच नमक एंड 1 टीस्पून पेपर। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब ये जो रेड पास्ता सॉस है इसमें भी हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर डाला है, ये धीरे धीरे गाढ़ी होगी और बॉईल होगी। तो हमको इसको बॉईल होने के लिए वेट करना है। जब इसका कलर थोड़ा डार्क रेडिश हो जाएगा मतलब तब हमारा रेड पास्ता सॉस तैयार है। और अब इन दोनों सॉस को हम 5 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे और तब तक हमारा जो पास्ता है वो भी बॉईल होकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए ये जो हमारी रेड पास्ता सॉस और वाइट पास्ता सॉस है ये अच्छी तरीके से बॉईल हो गई है। आप देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम गाढ़ी हो गई है। तो 5 से 6 मिनट लगेंगे लगभग इसको पकाने के लिए। तो ये जब अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए और गाढ़ी हो जाए मतलब ये हमारा सॉस बनके रेडी है। अब हम इसको बंद कर देंगे। सेम हमारा जो ये वाइट सॉस है ये भी बनके तैयार है। आप देखेंगे इसकी भी कंसिस्टेंसी एकदम गाढ़ी हो गई है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगी, मैंने पहले आपको बोला था कि ऑरिगैनो डाला, एक्चुअली मैंने मिक्सड हर्ब्स डाले हैं। मिक्सड हर्ब मतलब ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स, सब मिक्सड है उसमें। तो ये पास्ता सॉस का फ्लेवर बहुत अच्छी तरीके से उभर के आता है। ये दोनों सॉस बनके तैयार है, अब हम इसको साइड में निकाल देंगे। एंड सेम हमारा जो
पास्ता है ये भी बॉईल हो गया है, इसको हम ड्रेन ऑफ कर लेंगे। तो अब जो हमारे वेजीज है उनको सौते कर लेंगे, तो इसलिए हमने जो कढ़ाई है इसको गर्म करने के रख दिया है। और हम इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल 2 बड़े चम्मच। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक ये ऑयल गर्म हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया हमने जो सॉस है वाइट पास्ता सॉस, रेड पास्ता सॉस हमारी रेडी है। जो हमारा पास्ता है वो हमने बॉईल कर दिया है और उसको ठंडे पानी से वॉश करके रख दिया है, जिससे कि वो और ओवर कुक ना हो। तो ये हमारा जो ऑयल है ये गर्म हो गया है, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे गार्लिक। गार्लिक को सौते करेंगे। ये सब हम तेज आंच में करेंगे बिकॉज हमें जो हमारे वेजीज चाहिए वो थोड़ी क्रिस्पी चाहिए है, सॉगी नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको हाई फ्लेम में सारे वेजीज को सौते करेंगे। तो इसमें हम डालेंगे ढेर सारा गार्लिक। तो गार्लिक जैसे थोड़ा येलोइश हो गया है, इसके बाद हम डालेंगे अनियन। ये हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज अनियन, इसको हमने स्क्वायर शेप में काटा है और इसको एकदम क्रंची होने तक हाई फ्लेम में सौते करेंगे। अब डालेंगे कैप्सिकम। आप चाहें तो येलो और रेड कैप्सिकम भी यूज कर सकते हैं और कलरफुल बनाने के लिए पास्ता। अब डालेंगे जुकनी, ये ग्रीन जुकनी है, येलो जुकनी, ब्रोकली, मशरूम्स। जो लोग मशरूम्स नहीं खाते हैं वो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, एंड बेबी कॉर्न। तो आप देखेंगे मैंने इसमें बहुत सारे वेजीज का यूज़ किया है बिकॉज ये जो मैं आपको पास्ता बनाना सिखा रही हूँ ये हेल्दी वर्जन ऑफ पास्ता है। जैसे हमने जो पास्ता यूज़ किया है वो भी वीट पास्ता यूज़ किया है। मार्केट में बहुत ही ईजिली वीट पास्ता और सूजी पास्ता दोनों मिल जाते हैं, तो आप वीट पास्ता और सूजी पास्ता ही यूज़ करिए, मैदे का पास्ता मत यूज़ करिए। और ढेर सारे वेजीज डालिए जिससे कि एक बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस डिश बनेगी और ये बच्चों की फेवरेट होती है। तो आप सॉसेस जो हैं पास्ता वीट यूज़ करिए, सॉसेस घर पे बनाइए, तो ये बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस डिश होगी और आप बच्चों को ज़रूर लंच और डिनर में उनको सर्व कर सकते हैं। तो हम इसको सौते करते हैं 3 से 4 मिनट तक। ये देखिए हमारे जो वेजीज हैं ये अच्छी तरीके से सौते हो गए हैं। आपको बहुत ज़्यादा भी इसको पकाना नहीं है, थोड़ा क्रिस्पी रखना है। तो अब जो वेजीज हैं हम इसको एक डिफरेंट बाउल में निकाल लेते हैं और इसमें मैं आपको बनाना सिखाऊंगी 3 डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ पास्ता। तो फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देते हैं और सबसे पहले मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वाइट पास्ता। तो ये देखिए हमने जो हाफ वेजीज है वो खाली कर लिए हैं, अब हम इसमें डालेंगे व्हाइट सॉस। तो वेजीज में व्हाइट सॉस डालेंगे व्हाइट पास्ता के लिए इस तरीके से। ये जो सॉस है ये मार्केट में भी मिलती है, तो अगर आपको घर पे नहीं बनाना है तो रेडीमेड व्हाइट सॉस और रेड सॉस अवेलेबल होती है मार्केट में, आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पास्ता, ये जो हमने ठंडे पानी से वॉश करके रखा हुआ है। ये देखिए इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, मिक्स्ड हर्ब्स। आप अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं मिक्स हर्ब। आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप चिली फ्लेक्स ज़्यादा डाल सकते हैं,
बच्चों को कम स्पाइसी लगता है तो कम भी डाल सकते हैं, और ऑरिगैनो ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम डालेंगे मेरा फेवरेट चीज, लॉट्स ऑफ चीज। सो दिस इज यमी डिलीशियस वाइट चीजी पास्ता बनके तैयार है हमारा। इसके फ्लेवर्स अच्छी तरीके से पास्ता में समा जाए उसके लिए हम थोड़ी देर इसको ढक के रखेंगे। एक मिनट आप इसको अच्छी तरीके से ढक दीजिए। तो देखिए एक मिनट हो गए हैं और ये हमारा यमी वाइट पास्ता बनके तैयार है। अच्छी तरीके से इसके फ्लेवर्स जो हैं पास्ता में सोक हो गए हैं। अब हम इसको एक सेपरेट बाउल में निकाल लेंगे। बनाएंगे मेरा फेवरेट पिंक पास्ता। फिर वेजीज लेंगे एंड पिंक पास्ता बनाने के लिए जो रेड और वाइट है वो दोनों सॉस को मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे रेड सॉस। तो ये जो पिंक पास्ता होता है ये ना ज़्यादा टैंगी होता है ना बहुत ज़्यादा चीजी होता है। हमारे 3 डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ पास्ता बनके तैयार हैं। तो ज़रूर बनाइए अपने घर में ऐसे पास्ता और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसे लगे। और ऐसी और रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दिस इज स्वाति साइनिंग ऑफ एज ऑफ नाउ। सी यू सून विद माय नेक्स्ट रेसिपी। बाय बाय, टेक केयर।